जिन अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चलाए गए, क्या उसमें दंगाई भी शामिल थे? क्या अंसार, गुल्ली और सोनू चिकना उनके घर भी तोड़े गए? इन सवालों के जवाब देश हित में हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जल्दी से आपको 5 अपडेट्स हम दे देते हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद आदेश गुप्ता समेत दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की है। तो दिल्ली बीजेपी के नेताओं द्वारा होम मिनिस्टर की ये मुलाकात, साथ ही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी सियासत को साधने किस वक्त कोशिश करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, उन्हें जाने से उन्हें परमिशन नहीं मिल पाई और उन्होंने ये कहा, जैसा कि हमने अभी आपको सुनवाया, वो कल फिर से जाएंगे। साथ ही जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक सील है, भारी संख्या में वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इससे जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहांगीरपुरी से जुड़ा हुआ करीब 75 मिनट तक आपके लिए जानना जरूरी है कि करीब 75 मिनट जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर दरअसल बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई और कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर आगे सुनवाई होनी है। अब जहांगीरपुरी में दंगे की जगह पर कैसे बुलडोजर स्ट्राइक हुई है और कैसे मस्जिद के पास बुलडोजर चला, ये सभी डिटेल्स इस रिपोर्ट में। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक की जामा मस्जिद, मस्जिद के ठीक सामने मौजूद दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर। ये बुलडोजर एमसीडी की उसी बुलडोजर ब्रिगेड का हिस्सा है जो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस ब्रिगेड के साथ पुलिस और सुरक्षा बल का भारी भरकम दस्ता भी मौजूद था। बुलडोजर के साथ मौजूद अधिकारियों ने नाप जोक शुरू की और एक्शन शुरू हो गया। बुलडोजर ने मस्जिद के गेट से लगी दीवार ढहानी शुरू कर दी। मस्जिद के आसपास मौजूद दूसरे अवैध निर्माण भी ढहा दिए गए। बताया गया कि मस्जिद से पहले की सड़क तो काफी चौड़ी है, लेकिन मस्जिद के पास अतिक्रमण की वजह से रास्ता संकरा है। जिस तरीके से एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए पहले सी ब्लॉक चौक से जो है अतिक्रमण को हटाना शुरू किया, उसके बाद वो जो जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद है और यही वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। यहां पर जो अवैध निर्माण उसके बाहर किया गया था, शेड डाले गए थे, छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए थे, उन सबको तोड़ा गया है। ये आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जो इंक्रोचमेंट किया हुआ था उसको तोड़ने के बाद उसका ये मलबा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे तोड़ने के बाद जो जेसीबी मशीन, जो बुलडोजर है, वो आगे की तरफ बढ़ गया था और एहतियात के तौर पर जो है भारी पुलिस बल को तैनात किया था। और आप देखेंगे कि गलियों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि स्थानीय लोग जो है सड़कों पर ना आ सके। कार्रवाई के दौरान किसी किस्म का बवाल ना हो, इसके लिए इस इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। ड्रोन से भी निगहबानी की गई। सुरक्षा के लिए इस इलाके को 14 जोन में बांटा गया था और हर जोन में जवानों की एक कंपनी तैनात की गई। कुल 1400 जवानों को तैनात किया गया। हालांकि जब बुलडोजर मस्जिद तक पहुंचा तो लोग भड़क गए, विरोध भी हुआ, लेकिन सुरक्षा बल के सामने किसी की नहीं चली। अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी के इस अभियान के खिलाफ सुनवाई भी चल रही थी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश अधिकारियों तक पहुंचता, मस्जिद के आसपास मौजूद अतिक्रमण ढहा दिया गया। मस्जिद के आसपास कई लोगों ने घरों के बाहर दुकानें या अवैध तरीके से टिन की छतें डाल रखी थी।
इस पूरे निर्माण को ढहा दिया गया। जी मीडिया की टीम ने उस शख्स से भी बात की जिसकी दुकान मस्जिद के ठीक बगल में थी। जावेद नाम के उस शख्स ने माना कि बुलडोजर अवैध निर्माण पर ही चला है। ये जी, ये तो दुकान के, ये तो एक छप्पड़ है दुकान के आगे जो थोड़ा सा होता है नाले वाले पे, अवैध है, लेकिन कोई नोटिस तो देना चाहिए ना, बिना नोटिस के तोड़ फोड़ है। जावेद ने ये भी माना कि सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं हिंदुओं के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला गया। दुकानें तोड़ी हैं या जो अवैध कब्जा किया हुआ था वो हिंदुओं ने भी किया हुआ था, मुस्लिमों ने भी किया हुआ था, उन सब की तोड़ी है, तो इसे हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए क्या? नहीं, ये तो जी जो सबके साथ है वही है जी। तो लगता है कि जहांगीरपुरी में जितना भी अवैध निर्माण हुआ है उस सबको हटाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने जानबूझ के अपनी जो दुकान के आगे काफ़ी बढ़ा लिया है, जो फुटपाथ है एक तरह से लोगों के पैदल चलने की जगह होती है उस पर कब्जा कर लिया है, और एक आदमी का अधिकार होता है कि वो फुटपाथ पर चल सके। हाँ, ये तो बिल्कुल है, हर आदमी का अधिकार है फुटपाथ पे चलते के, जो भी लीगल है वो हटना चाहिए, उसके लिए हम लोग भी साथ हैं। वो तो एमसीडी के अंडर में जो गवर्नमेंट करेगी उसके लिए हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन जो थोड़ा सा जो ये नुकसान है, अब ये 20 से 30 हज़ार के बीच में नुकसान है, इसको केवल नोटिस दे के अगर तोड़ा जाए तो मेरी यही नहीं। बताया गया कि मस्जिद के ठीक पहले ये सड़क काफी चौड़ी है, लेकिन मस्जिद तक आते आते अतिक्रमण की वजह से ये काफी सक्रिय हो जाती है, लेकिन अब प्रशासन के बुलडोजर ने इस अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।